ओके नर्सरी क्लास, आज हम पढ़ने जा रहे हैं गाइन की कहानी। हरूफ़े तहजी के हर्फ गाइन की कहानी। इसकी इब्तदाई आवाज है ग ग ग। अब सब बच्चे ये कहानी बहुत ध्यान से सुने क्योंकि ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ओके, लुक एट द बोर्ड एवरीवन। ईद का दिन है, गजाला गरारा पहने गुब्बारे उठाए भाग रही थी। दादी अम्मी ने गजाला और गजल को बुलाया कि हम सब मिलकर गालीचे पर बैठकर खाना खाते हैं। दादी अम्मी ने समझाया कि गजा ज़ाया करना गलत बात है और हमें गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए। इस कहानी में गा से शुरू होने वाले अल्फाज हैं, मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे। गजाला, गरारा, गुब्बारे, गजा, गजल, गलत, गरीबों। ओके, अब आप मुझे बताएंगे इस कहानी में गा से शुरू होने वाले अल्फाज कौन कौन से हैं। गजल, गरारा, वेरी गुड, और गलत, गुड, और गरीबों, और गजा। ओके नर्सरी क्लास, नाउ लुक एट द बोर्ड। अब हमने इसे लिखना कैसे है, सब बच्चे बोर्ड पे देखें कैसे लिखना है। लुक एट द बोर्ड एवरीवन, अभी हमने अपनी बुक्स पे लिखना है ना, तो जब आप यहाँ पर देखेंगे और सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे और आपको लिखना आएगा, कैसे लिखेंगे। लुक एट द बोर्ड, स्टार्ट फ्रॉम अ डॉट, मेक अ सेमी सर्कल, कम्स डाउन, touch the line, stop, गा के ऊपर एक नुक्ता। हमने पहले पढ़ा था ना आ आ, आइन और गाइन, आइन के बाद आइन की आवाज थी आ। आ जो है वो गा का भाई है। ओके, नाउ लुक एट द बोर्ड अगेन, कैसे लिखेंगे। स्टार्ट फ्रॉम अ डॉट, मेक अ सेमी सर्कल, ये देखें सेमी सर्कल है ना, ये सेमी सर्कल हाफ सर्कल को कहते हैं ना, ये देखें। स्टॉप, एंड जहाँ से आपने इस सर्कल को छोड़ा है वहीं से आपने दोबारा स्टार्ट लेना है। मेक अ सेमी सर्कल, कम्स डाउन, टच द लाइन, स्टॉप, पुट अ डॉट, गुब्बारे, गार क्या होती है किसी बच्चे को पता है? पहाड़ों के बीच में छोटा सा जो रास्ता होता है ना, छोटा सा रास्ता होता है और वहां पर लोग जाकर बैठ जाते हैं, उसे कहते हैं गार। गार, गुब्बारे, गलीचा, गालीचा कहते हैं कालीन को, छोटा सा जो कालीन होता है ना उसे कहते हैं गालीचा। गा गा गजाला, गा गा गजल, गा गा गिजा, गा गा गलत, गा गा गरीबों।